अफजलगढ़ में कस्बा रेहड़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक मौत दुर्गा मंदिर पर आयोजित 3 दिवसीय श्री रामचरितमानस अखंड पाठ के समापन के उपरांत हवन यज्ञ व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कस्बा रेहड़ स्थित सिद्ध भूतल माँ दुर्गा मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय अखंड रामायण पाठ के उपरांत पुरोहित पंडित देवेंद्र शर्मा द्वारा वैदिक रीति के अनुसार पूजन हवन संपन्न कराया गया। हवन पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में शीश नवाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सनातन हिंदू महासभा के अध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया कि सदियों से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मां दुर्गा मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन पूर्वज काल से ही होता चला आ रहा है। प्रसाद वितरण के पश्चात पूरे नगर में शोभा यात्रा के साथ हवन यज्ञ की कड़ाही निकाली जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा मंदिर पर हवन यज्ञ व भंडारे के आयोजन से प्राकृतिक आपदाओं, संक्रामक बीमारियों व दैवीय प्रकोप से छुटकारा मिलता है। धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में कंचन दुबे, अशोक कुमार शर्मा, रणधीर ठाकुर, निहाल सिंह, मोहित पाल, विश्वनपाल सिंह, अनिल शर्मा, घसीटा सिंह, अनुपम ठाकुर, मोहित दुबे, जुगनू शर्मा आदि सहित नगरवासियों का विशेष योगदान रहा। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मेरा नाम कंचन दुबे है, मैं रेहड़ का निवासी हूँ और यहाँ ये देवी का स्थान है। हमारे यहाँ देवी के स्थान पर भादो के महीने में एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। उससे पहले 3 दिन लगातार रामायण चलती है हमारे यहाँ, जिसमें रामायण पढ़ी जाती है। उसके समाप्ति पर हम लोग यहाँ प्रसाद वितरण करते हैं और उसमें भंडारा भी होता है हमारा, जिसमें हम जो है खाना खिलाते हैं और इस बीच में हम पूरे गांव में धार लगवाते हैं, जिससे हमारे गांव को बीमारी से बचाया जा सके और हमारे यहाँ इससे बड़े फायदे होते हैं लोगों को। धन्यवाद।